हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज पूरव एंड यू आर वाचिंग जस्ट पिक्सेलेटिंग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस विद द ऑल न्यू वीवो X60। तो बाकी का वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपको एक दो चीज बताना है, वो है कि ये फोन की जो स्टोरी है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशंस है इस फोन के बारे में वो क्या है। इसका एक रिव्यू वीडियो आएगा, वो मोस्टली एक दो हफ्ते के बाद आएगा, जब मैं इस पूरे फोन को अच्छे से रिव्यू कर दूंगा तब मैं इसका एक रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ और उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा। बट इस वीडियो में मैं आपको सारे इसके स्पेक्स और मेरे फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम डिस्प्ले से। इस डिस्प्ले में आपको 6.56 का फुल एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन में आता है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने मिल जाता है और इसमें आपको 240 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट मिलता है। अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बहुत करते हो तो आपको इस फोन को लेने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है और इसमें L1 Wide 1 बैंड भी है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स और प्राइम फुल HD पे देखना चाहते हो तो इसमें आप वो देख सकते हो। इस डिस्प्ले का प्रोटेक्शन आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का मिलता है और इसमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जो मेरे हिसाब से काफी फास्ट है। अब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इस फोन को जैसे मैंने बताया था 2-3 दिन ही हुआ यूज़ करके, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगा है। इसके कलर्स भी ब्राइट है, इसका जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको इसको फुल सनलाइट के अंदर नीचे भी देखना है तो आपको इसका जो भी कॉन्टेंट है वो एकदम क्लियरली नज़र आएगा। तो अभी सनलाइट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको 730 निट्स का डिस्प्ले मिल जाता है जो काफ़ी ब्राइट है अगर आप इसको हार्श लाइटिंग के अंदर देख रहे हो। आई गेस इस प्राइस पॉइंट में जो इसका स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं जस्ट अभी सैमसंग से शिफ्ट हुआ हूँ इस पर और मेरे को लगता है कि इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी ब्राइट है। इसका जो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन है वो भी मुझे अब तक किधर भी जिटर नहीं हुआ है। आई गेस 3-4 दिन और फोन यूज़ करूँगा तो शायद से मुझे कुछ डिफरेंस पता चले, बट अब तक के लिए मुझे इसका स्क्रीन काफ़ी स्मूथ लगा है। इसका जो सैम्पलिंग रेट है वो भी काफ़ी हेल्प करता है अगर हम लोग नॉर्मल टच भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो कितना फ्लूइड और स्मूथ है ये। तो डिस्प्ले छोड़ के अगर हम इसके बॉडी की बात करें तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके साइड से। ऊपर आपको एक माइक्रोफोन देखने मिल जाता है और ऊपर आपको एक टेक्स्ट लिखा है जिसमें लिखा है प्रोफेशनल फोटोग्राफी। राइट साइड में आपको यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर और एक पावर बटन देखने मिल जाएगा जो कि काफ़ी टैक्टाइल है। बस इसका जो वॉल्यूम रॉकर बटन है वो थोड़ा सा वॉबल हो रहा है, उसके अलावा जो इसका पावर बटन है उसमें आपको एक टेक्सचर देखने मिल जाता है और जो उसका टैक्टाइल फीलिंग है वो काफ़ी अच्छा है। नीचे के साइड आपको एक स्पीकर देखने मिल जाएगा, टाइप सी का पोर्ट देखने मिल जाएगा और आपको सिम ट्रे मिल जाएगा। ये फ़ोन वाटरप्रूफ तो नहीं है, बट एक्चुअली जब मैं इसमें सिम कार्ड डाल रहा था तो मैंने देखा था इसके जो सिम ट्रे है उसमें एक रेड कलर का एक गैस्केट लगा है जो पानी अंदर जाने से बचाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ देखने नहीं मिल जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पूरा ब्लैंक है। पीछे आपको कैमरास देखने मिल जाएंगे जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा और यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग है। कैमरा के नीचे भी आपको थोड़ा सा ब्रांडिंग देखने मिल जाता है। एंड ओवरऑल कहूँ मैं, जो इसका वेट बैलेंस है और जो इसका थिकनेस है वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा है। इसका जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा कर्व्ड है तो आप जब इसको फ़ोन को पकड़ते हो तो आपको काफ़ी स्मूथ फीलिंग आएगी, आपको ऐसे रॉक एंड सॉलिड फीलिंग नहीं आएगी, आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील देखने मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम स्पीकर्स की। इसमें आपको एक ही स्पीकर देखने मिल जाएगा जो एक सिंगल फायरिंग स्पीकर है जो आपको नीचे देखने मिल जाएगा फ़ोन के। एंड मैं कहूँगा कि फ़ोन का जो स्पीकर है वो काफ़ी अच्छा है, ये लाउड है, ये क्रिस्प है और मेरे को जो इसका साउंड क्वालिटी लगा वो काफ़ी अच्छा लगा है और जो इसका बेस है वो भी परफेक्ट है। बस मुझे इस स्पीकर का एक ही डाउनग्रेड लगा, वो है कि जिस प्राइस में जो ये फ़ोन आता है उसमें कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि आपको एक डबल फायरिंग स्पीकर मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसका ईयरपीस देखोगे इसका जो ईयरपीस है वो काफ़ी बड़ा है और मुझे लगता है कि इसमें एक डबल फायरिंग स्पीकर रहना चाहिए था क्योंकि जो इसका ईयरपीस है वो काफ़ी बड़ा है। और ईयरपीस की बात करें तो इसका ईयरपीस का जो क्वालिटी है वो भी मेरे को अच्छा लगा, मेरे को इसके फ़ोन कॉल्स में कोई भी इशू नहीं आया, मुझे काफ़ी अच्छे से आवाज़ आ रही थी और कभी कभी तो बहुत लाउड भी था, मुझे इसको कम करना पड़ता था। तो इसका ये मतलब है कि इसमें फायरिंग डबल फायरिंग स्पीकर दे सकते थे बट इन्होंने दिया नहीं है, बट मुझे इसका जो सिंगल फायरिंग स्पीकर है वो भी काफ़ी अच्छा लगा है। कभी कभी अगर आप जब गेम खेल रहे हो तो वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, बट अगर आप इनका केस लगाओगे, जो इन्होंने केस दिया है ये वाला, ये केस में एक्चुअली नीचे थोड़ा सा गैप है तो उसमें जो आपका जो स्पीकर है वो कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं होगा, थोड़ा सा गैप रह जाएगा। तो अगर आप उसको लेगा कि कुछ भी प्ले कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो या गेम खेल रहे हो तो आपका जो स्पीकर है वो मफल नहीं होगा, वो आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देगा। अभी हम बात करेंगे इसका चार्जिंग स्पीड और इसका जो USB पोर्ट है उसके बारे में। जो इसके साथ आपको चार्जर मिलता है ये आपको एक 33 वॉट्स का चार्जर मिल जाता है, वीवो इसको कहते हैं फ्लैश चार्ज 2.0। और मेरे हिसाब से जो इसका चार्जिंग स्पीड है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब तक के लिए तो मैंने इसको एक ही बार चार्ज किया है पूरे दिन में, क्योंकि मेरे अब तक मैंने इसको ज़्यादा यूज़ किया है नहीं,
बट आई वुड से दैट कि जब मैं इसको चार्जिंग पे लगा रहा था ना, तब मुझे जो इसका स्पीड परफॉर्मेंस देखने मिला वो काफ़ी अच्छा है। इसके मैं फाइनल रिव्यू में आपको बताऊंगा कि इसका बैटरी और इसका चार्जिंग कैसा है, बट अभी के लिए मैं कहूंगा कि जो इसका चार्जिंग है वो बहुत अच्छा है। जो इसका इंटरनल स्टोरेज है वो आपको 3.1 देखने मिल जाता है। जो इसका इंटरनल स्टोरेज है वो काफ़ी फास्ट है, आप कोई भी ऐप्स ओपन करोगे तो तुरंत ओपन हो जाएगा। बट मेरे को कहना था कि जो इसका USB पोर्ट है वो सिर्फ टाइप 2.1 सपोर्ट करता है। इसका ये मतलब है कि आप जब भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने मिल जाएगी, बट जब भी आप कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो इस USB पोर्ट से तब आपको थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा कम स्टोरेज स्पीड देखने मिल जाएगा। बट इसके जो इंटरनल है वो उसका स्टोरेज स्पीड काफ़ी अच्छा है, जिसके बारे में आगे बात करूँगा। अब बात करते हैं हम कनेक्टिविटी का। इस फ़ोन में आपको जो वाईफाई रेंज मिल जाता है वो आपको 5 GHz से देखने मिल जाएगा। तो अगर आप पावरफुल वाईफाई पे हो तो आपको इसका जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा देखने मिल जाएगा। ये फ़ोन 5G एनेबल्ड है, बट इसमें सिर्फ दो ही बैंड है 5G के। जब भी 5G इंडिया में आएगा, अगर वो बैंड सपोर्ट करते हैं, तो आपको जो इसमें स्पीड है वो काफ़ी अच्छी देखने मिल जाएगी। ब्लूटूथ की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ 5.1 देखने मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है इस प्राइस के लिए। और जैसे मैंने बताया था, इसका टाइप सी का जो सपोर्ट है वो सिर्फ 2.0 है। तो कनेक्टिविटी में इसका जो सिम कार्ड है वो आपको डुअल सिम कार्ड देखने मिल जाता है, जो कि नैनो सिम सपोर्ट करता है। और इसमें आपको कोई भी 3.5mm हेडफोन जैक देखने नहीं मिलता है। अगर आपने मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी रहेगी, उसमें मैंने क्लियरली दिखाया है कि आपको एक अडेप्टर मिल जाता है ईयरफोन्स के साथ, बट अलग से आपको कोई भी 3.5mm जैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपको सारे सेंसर्स देखने मिल जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंसर्स होते हैं। जैसे इसमें आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाएगा, फिर इसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस सेंसर मिल जाएगा, इसमें एक्सेलेरोमीटर का सेंसर है, फिर इसमें आपको GPS देखने मिल जाएगा, और इसमें जायरोस्कोप सेंसर भी है। तो इसका ये मतलब है कि इसमें जो कंपास रहेगा वो काफ़ी रिलायबल रहेगा। इसमें अगर प्रोसेसर की बात किया जाए तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर फ़ोन है इसमें आपको 8GB रैम मिल जाएगा। इस फ़ोन का एक रैम रिलेटेड फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें इनबिल्ड आपको 8GB का रैम देखने मिल जाएगा, बट अगर आप सेटिंग्स में जाके इसका एक फीचर ऑन करोगे जिसमें आपको इसमें 3GB एक्स्ट्रा रैम मिल जाएगा। वो फीचर एक्चुअली जो आपका इंटरनल स्टोरेज है उससे 3GB लेता है और वो आपके रैम में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप 8GB रैम का मॉडल ले रहे हो तो उसमें आपको टोटल 8+3 11GB का रैम देखने मिल जाएगा। अब परफॉर्मेंस के लिए मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मैंने गेम्स डाउनलोड किए, मैंने इसमें 3-4 गेम्स भी डाउनलोड किए, और जो गेम प्ले था वो मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। मेरे को कोई भी लैग देखने नहीं मिला है, मेरे को हायर फ्रेम रेट्स में गेम प्ले देखने मिला है, और जो कि काफ़ी इस फ़ोन ने अच्छे से हैंडल किया है। अगर आपको इसका गेमिंग रिव्यू देखना है कि कितना हीट होता है, कितना रैम लेता है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं इसका वैसे एक वीडियो बनाऊंगा। बट जनरली मैं ये कहूँगा कि जो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। मेरे को अब तक कोई लैग देखने नहीं मिला, और मैं सारे हैवी गेम्स खेला था, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी और एस्पर। और इस फ़ोन का जनरल यूज़ बोलूँ तो मैं जो इसका ऐप ओपनिंग है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया तो इसका जो रोम है वो 3.1 स्टोरेज यूज़ करता है, जो इसका ऐप जब ओपन होता है जो काफ़ी फास्ट ओपन होता है। और इसका डेली परफॉर्मेंस भी मुझे अब तक अच्छा लगा है, ये 2 दिन जो मैंने यूज़ किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे जो 2 दिन पहले भी ऐप ओपन किया था वो भी ओपन हो गया था इसमें विदाउट रीलोडिंग, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर आ गया है इसमें जो मैं बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकता हूँ। बट जैसे मैंने बताया था कि मैं पहले टेस्ट करूँगा फिर आपको बताऊँगा। बाकी अगर कैमरा की बात की जाए तो इसमें आपको 3 कैमरे देखने मिल जाते हैं, जिसमें 48MP आपका मेन सेंसर है, 13MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और एक 13MP का एक टेलीफोटो कैमरा है। फ्रंट में आपको एक 32MP का कैमरा देखने मिल जाएगा। ओवरऑल मैं कहूँ तो अब तक मुझे इसके कैमरा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा है। जो इसका कैमरा क्वालिटी है, जो नाइट मोड है, जो बहुत सारे फीचर्स इन्होंने दिए हैं, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस कैमरा में। इस फ़ोन का कैमरा रिव्यू मैं अलग से बनाने वाला हूँ, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही जल्द आने वाला है। 2-3 दिन की टेस्टिंग अगर आप देखोगे, जो मैंने अभी कुछ सैम्पल शॉट्स लिए जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मुझे इसका सबका जो मेरे को परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा लगा। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि फ़ोटो लेने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस करने के लिए, हार्डली 1 सेकंड लेता है, बट ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस करने के लिए। उसके अलावा प्रोसेस करने के बाद जो इसका फ़ोटो क्वालिटी है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। इन डिटेल वीडियो इसका आ रहा है जैसे मैंने बताया था, जिसमें मैं हर एक फीचर यूज़ करके आपको बताने वाला हूँ, बट अब तक के लिए ये जो सैम्पल शॉट्स है वो ही है। तो अब हम इस वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में आते हैं, जो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी कोई स्मार्टफोन लेता है, या कोई भी जब भी कोई स्मार्टफोन आता है मार्केट में,
क्योंकि सॉफ्टवेयर से ही आपका फ़ोन अच्छा या बुरा परफॉर्म करता है। इस फ़ोन के अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो इसमें आपको वीवो का फनटच OS देखने मिल जाता है और ये बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पे। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स है। इसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, इसका स्क्रीन का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छा है, चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर इस फ़ोन को मैं कंक्लूड करूँ तो मेरे को इस फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। ये फ़ोन स्लिम है, पकड़ने को इजी है, जिसका स्क्रीन है वो अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है अब तक के लिए जो मैंने देखा है, चार्जिंग स्पीड फास्ट है, इसका जो डिस्प्ले है वो वाइब्रेंट है, उसमें आपको ज़्यादा सैम्पलिंग रेट देखने मिल जाता है और फिर उसमें आपको ज़्यादा रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, स्टोरेज भी अच्छा है, इसमें रैम का जो फीचर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको इस फोन के फीचर्स कौन से अच्छे लगे और आपको अगले वीडियो में क्या देखना है। एंड अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।